एसएन मेरे बेटा, इस वक्त ना सो। अभी तुम्हारी क्रॉन क्लास है घंटे डेढ़ घंटे के बाद। इस वक्त ना सो, तेरी ऐसी की तैसी। इस वक्त ना सो, नहीं कुरान क्लास है घंटे डेढ़ घंटे। सो, उठ जाओ उठ जाओ, फिर रात को तंग करोगे। उठ जा उठ जा। ये जी कल इंशाल्लाह सानी जी आ जाएंगी, तो मैं हर मशरक की मियाँ की तरह सानी जी के आने से पहले बच्चों के अपने कपड़े मशीन में डालने लगा हूँ, ताकि वो आए तो उनको घर में मैले कपड़े ना मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रजीबुल्ला खान और आप देख रहे हैं वेला मुस्टंडा वीलॉग्स। आज की वीडियो में यूँ है कि मैं, हसन, एहसन और अम्मी जान जा रहे हैं बाजार, और हसन की तबीयत ख़राब है, उसके लिए कुछ मेडिसिन लेनी है, कुछ और चीज़ें लेनी है, और उसके अलावा अगर अम्मी जान मान गई तो अम्मी से कोई ट्रीट शीट भी लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का वीलॉग। हाँ जी, यूनाइट बैंक का ATM है। मैंने कहा पहले कुछ पैसे निकाल लूँ, उसके बाद फिर आगे चलें, क्योंकि पैसे निकालना बहुत ज़रूरी है। जी जी आंटी, वेट कर रहा हूँ, जल्दी ने पैसे। जी जी आंटी, दें पैसे, इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू आंटी। हाँ जी, पैसे तो निकल आए हैं, अब पहले मेरा ख्याल एहसान की मेडिसिन ले लें, और जो बाकी चीजें लेनी है फिर खाने पीने का सोचते हैं। हाँ जी, क्यों, क्या ख्याल है? हाँ जी बच्चो, जैसे प्रोग्राम हो उसी के मुताबिक। ये हम स्टॉप एंड शॉप आए हैं, कुछ चीजें चाहिए थी। बाकत खानी कहाँ होगी? सारी चीजें पड़ी हुई, और बस साबुन और कौन से जी। वो नजर नहीं आ रही है। केक भी लेंगे वाला, फिर जाना आसान भाई के लिए। केक भी नरम ही होता है। उन्होंने मोटर खाने के लिए वो तो नहीं पड़ी। केक ले लूं? हाँ जी, ये वाला केक ले लूं प्लेन। प्लेन केक, फ्रूट केक, चले। ओफ, प्लेन ही खाएंगे। मैं जरा इधर से मेडिसिन ले आता हूँ सान भाई की। हैं, अच्छा ये बच्ची जा रही थी कैमरे में हाथ हिला रही थी। बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा, ये भी मिल गया। हाँ एहसन, फिर दादी में से पिज्जे अप्रूव हो गए हैं, मजा आएगा। हाँ जी, थोड़ी भूख लगी है? ज्यादा ज्यादा लगी। और हसन, आप पिज्जे फुल भूख? थोड़ी लगी है, ये तो खाओगे तो पता चलेगा, थोड़ी है ज्यादा। और ये अम्मी
और यहाँ मैं बैठा हूँ, देखते हैं पीले आते हैं तो फिर पेट पूजा करते हैं। हाँ जी, तो हम पिज्जा खा के निकल पड़े हैं। माशाल्लाह बहुत मजे का पिज्जा था, सबने बहुत एंजॉय किया, गपशप की, थोड़ी सी आपको दिखाई भी सही। तो अभी घर वापसी की तरफ रवानगी है और रास्ते में एक चीज और लेनी है बस बाकी। और हम आप सुनाए कैसा लगा आपको? आ, क्या बहुत मजे का, जाहिर भूख भी लगी हुई थी, सिर्फ नाश्ता किया था सुबह, तो बच्चों की भी तकरीबन यही हालत थी कि आज की बात दोपहर को आज लंच किया ही नहीं। ये अम्मी जान अपने नवासे नवासियों जो घर थे ना, उन्होंने कहा वो बेचारे क्यों रह जाए, मैं उनका हिस्सा वो लेके आई हैं। उन्होंने कहा जरा इनका भी पेट पूजा इनकी भी हो जाए। हाँ, उस्मान आज हिम्मत करके मुंह सामने कर रहा है, वरना तो ये ऐसे भाग रहे होते जैसे उमर कैसा पिज्जा? अच्छा। ओ बापरदा खातून, तुम्हारा पिज्जा कैसा लग रहा तुम्हें? हाँ बस हाथ से म्यूट। चलो जी, शक्ल दिखा दो, कुछ नहीं होता। ये दादी मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा भेजा, तुम्हारे से कभी वो ले आई है। मैं चुप कैसे देख रहा है? बुलबुल हटा आगे से रजाई, कैसी दवाइयाँ भी ले आया हूँ मैं, केक भी ले आया हूँ, ये लो दो पीस आपके, बाकी नीचे वाले बच्चों को दिए। ठहर, दीदार तो कर लूँ जरा। ठीक है, चलो खाओ शाबाश। इसमें डाल देता हूँ, प्लेट में रखने लगे हैं। चलो अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।